अस्सलाम वालेकुम। कुवैत में एक लेबर, एक एजेंट और एक बड़ा कर्मचारी जो एकमा ट्रांसफर करने को लेकर रिश्वत ली, इसमें एक बड़ी खबर है, तो न्यूज आखिर तक जरूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट कुछ जरूरी खबरें हैं। सबसे पहले तो एक औरत जो काम करती थी अंदर, बड़े अधिकारी थी एकमा ट्रांसफर करने से रिलेटेड, तो उसने रिश्वत ली एक एजेंट से और एक आदमी का, प्रवासी का एकमा ट्रांसफर किया बिना कुवैती के, यानी कि जो उसका स्पॉन्सर कफिल था उसको पता नहीं था और वास्ते के थ्रू एकमा ट्रांसफर किया, तो पता चल गया बाद में, क्योंकि उसके जो उस कफिल का लेबर था वो उसके पास एकमा लगाने के लिए नहीं आए, तो उसने पता किया तो पता चला कि एकमा तो ट्रांसफर हो चुका है और उसको कुछ पता नहीं है, तो बाद में रिपोर्ट दर्ज कराई तो मामले की जांच की गई। बाद में कुवैती औरत को पकड़ा गया जो एक बड़ी अधिकारी थी अंदर काम करने वाली, उसको पकड़ा गया, पता चला कि उसने एकमा ट्रांसफर करवाया था, उसने रिश्वत ली थी एकमा ट्रांसफर करने की उस एजेंट से, तो उसके बाद में उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। कुवैती औरत को रिश्वत लेने के मामले में बिना स्पॉन्सर के पता ही नहीं और एकमा ट्रांसफर करने के मामले में, इसके साथ ही जो एजेंट और जो लेबर था, जो वर्कर, उनको 1400 केडी का फाइन लगाया गया और उसको नौकरी से बर्खास्त करने का भी ऐलान किया गया। जो अंदर काम करने वाली थी उसे मिला कितना था, 700 केडी उसने एकमा ट्रांसफर करने का लिया था। इसके बाद अगली खबर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मिनिस्टर ने कहा है कि कुवैत के अंदर मुतला एरिया में लेबर, वहां पर लेबर नहीं मिल रहे काम करने के लिए मुतला एरिया में। इसके साथ ही खेतान, जलीब, जहरा, हवेली, फाहिल में जहां पर लोग खड़े रहते थे राउंड बोर्ड पे या फिर सड़कों के किनारे, लोग बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं अभी काम करने के लिए। गैरेज लाइन में इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर काम करते थे लोग, ज्यादातर एकमा कानून के उल्लंघन वाले थे, तो इन दुकानों पर काम करने वाले अभी लेबर नहीं मिल रहे हैं। जो एक्सपीरियंस वाले भी थे वो भी एकमा कानून के उल्लंघन वाले थे, तो इन गैरेजों में भी दिक्कत आने लगी है लेबर की। इसके साथ ही जो इधर उधर काम करने के लिए जाते थे तो खड़े रहते थे सड़कों पर, वो भी बंद हो गए हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मिनिस्टर का कहना है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं जो एकमा कानून के उल्लंघन वाले हैं या फिर बिना एकमे वाले हैं, डर से कि पकड़े न जाएं, इसीलिए वो सुबह के टाइम में, तो खासकर सुबह सुबह घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं काम पर जाने के लिए। ज्यादातर जो दिहाड़ी मजदूर थे वो नजर नहीं आ रहे हैं बाहर, डर से अंदर ही बैठे हैं। इसके बाद अगली खबर, दो कंट्रियों से बहुत ही जल्द भर्ती होने वाली है, जिसमें जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं अल दूरा मैनपावर कंपनी के, उन्होंने ऐलान किया कि बहुत ही जल्द श्रीलंका से लेबर भर्ती किया जाएगा 750 दिनार और फिलीपींस से लेबर भर्ती किया जाएगा 700 केडी में। अभी बात चल रही है मिनिस्ट्री से, बहुत ही जल्द ये लेबर भर्ती करना स्टार्ट कर देंगे, खादम के वर्कर्स, दूसरे नहीं, ये खादम के वर्कर्स भर्ती करती है, तो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी भर्ती, जिससे कि कुवैत में खादम के लेबर आना शुरू हो जाएंगे। कुवैत की खबरों में इतना ही, चैनल को